ये जो ट्यूलिप गार्डन आप देख रहे हैं यहाँ हमारे CSIR ट्रिपल आई एम जम्मू का, जो हमारा यहाँ फील्ड स्टेशन पुलवामा के नाम से आप जानते होंगे, यहाँ पे हमने ये फील्ड स्टेशन में जो है ट्यूलिप्स अब की बार जो है इंट्रोड्यूस किए। और ये हमने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, जो एक नेशनल मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक पैन इंडिया मिशन है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम फ्लोरिकल्चर सेक्टर से कमर्शियल फार्मिंग ऑफ फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स से फार्मर्स, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री और फ्लोरिस्ट नर्सरी ट्रेडर्स के साथ जो है एंगेज करके उनके फ़ायदे के लिए जो है इकदाम उठा रहे हैं, जिसमें फार्मर्स को हम टेक्नोलॉजीज़ दे रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप्स में हम इंक्यूबेट कर रहे हैं जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि किस तरीके से वो फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स और उनकी प्रोडक्ट से जो है बिजनेस कर सकते हैं। और साथ साथ ही जो है हमारा इसमें एक्सपेंशन में ये भी फोकस है कि हम कैसे कट फ्लावर्स की प्रोडक्शन को जो है फ़रोग दे। और जहाँ मौसमी हालात जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अगर हम देख ले तो मौजू है हमारे कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए और लूज प्रोडक्शन के लिए। और जो हमारे ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है, उनका भी एक स्पेशल एम्फेसिस है कि कैसे हम एग्रीकल्चर से एग्रीटेक स्टार्टअप्स का जो है इकोसिस्टम और ज़्यादा मजबूत और मजबूत बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान है वो इस फ्लोरिकल्चर सेक्टर से या एग्रीटेक स्टार्टअप से जो है एक मुनाफा बख्श जो है आमदनी के जो वसाइल जो है पैदा करें। तो ये फील्ड स्टेशन उसी सिमत में कोशिशों में लगा रहता है कि कैसे इन क्रॉप्स की कल्टिवेशन की टेक्नोलॉजीज़, उनकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज़ और इवन इनकी मार्केटिंग कैसे की जाए। तो ये एक पहल थी कि कैसे हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी जो है अपने फार्मर्स के लिए एक मॉडल क्रिएट करें कि वो कट फ्लावर्स की प्रोडक्शन करें, बिलखसूस जिसमें क्रॉप्स लाइक ट्यूलिप हो या हमारे पास लिलियम्स यहाँ पर है या कार्नेशंस है। तो उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सरसाइज है कि हमने यहाँ पे ट्यूलिप का ये एक्सपेरिमेंटल स्टेशन फील्ड तैयार किया था। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि CSIR जो इंस्टीट्यूशन है उनने लिया है। तो इसमें जो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम जो कश्मीर में है कि वो है कि हम यहाँ पे जो बल्ब क्रॉप जो ट्यूलिप है हमारा, उसमें हम बल्बस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो कि कंजीनियर एनवायरनमेंट है यहाँ पे बल्बस का, क्योंकि टेम्परेट रीजन है। तो ट्यूलिप में जो बल्ब होता है जिससे वो प्रोपगेट होता है, इसका कंजीनियर एनवायरनमेंट है यहाँ पे जिससे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही एक इनिशिएटिव है कि हम कैसे, ये एक ट्रायल है, एक मिनी ट्रायल है, 8 रेप्लिकेशंस है इसमें। तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या हम इस जो ये बल्ब है इसको हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकेंगे कि नहीं। तो अगर हम इसको सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर सकें तो जो इकोनॉमिक बर्डन है हमारी स्टेट पे भी, और इफ़ यू विल लुक एट लॉन्ग टर्म तो ये एक कंट्री पे भी वो बर्डन है कि हमें प्रोक्योर करने पड़ते हैं कॉर्म्स यो बल्बस फ्रॉम द हॉलैंड। तो इट कॉस्ट इज वर्थ ऑफ करोड़। सो टू रिड्यूस दैट इकोनॉमिक बर्डन वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड वी आर लुकिंग वेदर वी विल बी एबल टू प्रोपगेट दिस मटीरियल हेयर और नॉट।